हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन चुके हैं। केएल राहुल की टीम इंडिया में वापसी हो चुकी है। अब अगर आईपीएल 2025 को लेकर केएल राहुल गौतम गंभीर वाली चाल चलते दिखे तो हैरान मत होइएगा। दरअसल ऐसी रिपोर्ट है कि गौतम गंभीर के जैसे केएल राहुल भी लखनऊ सुपर जायंट्स का साथ छोड़ सकते हैं। खबर है कि आईपीएल 2025 के लिए केएल राहुल का पूरा प्लान तैयार है। ये प्लान एलएसजी का साथ छोड़कर आरसीबी की ओर रुख करने से जुड़ा है। इतना ही नहीं, केएल राहुल की नज़र आरसीबी की कैप्टेंसी पर भी है। आईपीएल 2024 से पहले गौतम गंभीर ने भी ऐसे ही लखनऊ सुपर जायंट्स का साथ छोड़ अपने करार को ख़त्म कर लिया था। एलएसजी का साथ छोड़कर आईपीएल 2024 से ठीक पहले गौतम गंभीर ने अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स का दामन थामा। केकेआर में आईपीएल 2024 के लिए गंभीर मेंटोर बनाए गए थे। अब आईपीएल 2025 से पहले गौतम गंभीर के ही अंदाज में केएल राहुल भी लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जो है वो अपना करार खत्म कर सकते हैं। 3 साल का उनका सफर जो है वो शानदार रहा है। रिपोर्ट्स है कि केएल राहुल एलएसजी से करार खत्म कर आरसीबी से जुड़ सकते हैं। राहुल पहले भी आरसीबी से खेल चुके हैं। आईपीएल 2025 में उनके बतौर कप्तान आरसीबी से जुड़ने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है। इसका मतलब है कि फाफ डुप्लेसी को वो रिप्लेस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। साफ है कि जैसे एलएसजी का साथ छोड़कर गौतम गंभीर ने अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी का दामन थाम लिया था, ठीक वैसा ही आईपीएल 2025 से पहले केएल राहुल भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आरसीबी उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी रही है जिसके साथ एलएसजी का साथ छोड़ उनके जुड़ने की खबरें हैं। केएल राहुल ने बतौर कप्तान एलएसजी के लिए आईपीएल 2024 के 14 मैचों में 520 रन बनाए 136 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल रहे। इस फ्रेंचाइजी के लिए उनका सबसे बेहतरीन साल 2022 में रहा, जहां उन्होंने 15 मैचेस में 135 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 616 रन बनाए। इस दौरान राहुल ने 2 शतक और 4 अर्धशतक जमाए थे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और स्पोर्ट्स नाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए।